ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल झूठी घोषणाओं वाला ही रहा है, ये बात प्रदेश व सुजानपुर की जनता भलीभांति से जानने लग रही है। ये बात सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र राणा द्वारा सुजानपुर के वार्ड नंबर 4 में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कार्यकाल में सुजानपुर में कई कार्यालयों की घोषणा की गई, जिसके लिए कांग्रेस कार्यकाल में बजट प्रावधान भी किया गया था, लेकिन भाजपा सत्ता में आते ही सुस्त रवैये के चलते सुजानपुर में कार्यों की रफ्तार या तो धीमी पड़ गई है या तो कार्यों को बंद करवाने में जुटी हुई है, जिससे सुजानपुर की जनता में रोष पनप रहा है। प्रदेश सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल झूठी घोषणाओं वाला ही रहा है, ये बात प्रदेश व सुजानपुर की जनता भलीभांति से जानने लग रही है। ये बात सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र राणा द्वारा सुजानपुर के वार्ड नंबर 4 में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कार्यकाल में सुजानपुर में कई कार्यालयों की घोषणा की गई, जिसके लिए कांग्रेस कार्यकाल में बजट प्रावधान भी किया गया था, लेकिन भाजपा सत्ता में आते ही सुस्त रवैये के चलते सुजानपुर में कार्यों की रफ्तार या तो धीमी बढ़ गई या तो कार्यों को बंद करवाने में जुटी हुई है, जिससे सुजानपुर की जनता में रोष पनप रहा है। जिस कारण सब्जी मंडी व गौशदन लोगों के लिए खोला जाना था, ताकि लोगों को आवारा पशुओं से निजात मिल सके और शहरवासियों को सस्ती सब्जी बेदर की जानकारी मुहैया हो सके, लेकिन प्रदेश सरकार के सुस्त रवैये के चलते कार्य धीमी गति से चल रहे हैं, जिसके चलते वार्ड नंबर 4 के निवासियों ने भी खुलकर प्रदेश सरकार के ऊपर हल्ला बोला और कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने घर की तरफ ध्यान दें, ना कि दिल्ली में अपना ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आने वाले विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस के साथ खड़े मिलेंगे। राणा ने कहा कि शीघ्र ही वे विधायक निधि से जो संभव मदद दिलवाकर लोगों के कार्यों को करवाने में सहायता करेंगे। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष मनीष गुप्ता, अध्यक्ष पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मनोज ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आज वार्ड नंबर 4 में बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और लोगों की जन समस्याओं को सुनने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कुछ लोगों की पानी की समस्या है और अधिकतर यहाँ लोगों की जो है कि जो पशु जिनको लोग छोड़ देते हैं, वो पशु जो है लोगों की फसलों को उजाड़ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ पर सेप्टिक टैंक बन गया है, सीवरेज की लाइनें डली हैं, लोगों को सीवरेज के कनेक्शन नहीं हुए। लोग चाहते हैं कि सीवरेज का कनेक्शन लोगों को दिया जाए। और दूसरा जो है पानी की पाइपें पुरानी टाइम की पड़ी हुई है, कनेक्शन ज्यादा हो गए तो पाइपलाइन लोग चाह रहे हैं। इसके नई सरकार को आए हुए एक ईंट भी नई सरकार ने लगाई, जो काम पिछली सरकार के समय लगे थे वो काम भी इन्होंने रोकने की कोशिश हुई है। जैसे टाउन हॉल है आपके सिविल हॉस्पिटल की, एडिशनल बिल्डिंग या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ, ये जो बनने थे सारे, ये काम भी उस समय के सुकृत हुए हैं जब कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग सत्ता में थे, परंतु उनको कामों को भी रोका गया। नया काम कोई सुजानपुर में हुआ नहीं है और मुझे लगता है कि 2 साल गुजर गए हैं, 3रा साल जा रहा है और ये सरकार भी अब जाने वाली है, सरकार जाने वाली है, पर इस सरकार के नाम एक काम भी नहीं हुआ। और इस सरकार को इसलिए याद रखा जाएगा कि इसका जो रिकॉर्ड रहा है, रिपोर्ट कार्ड इस सरकार का, 0 नंबर वाली सरकार ये जो है, इस नाम से जानी जाएगी। और लोगों में इस बात के लिए बड़ा गुस्सा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, और लोग उस समय को भी याद कर रहे हैं जब 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, सुजार में SDM का दफ्तर खोला, यहाँ पर मिनी सेक्रेट का निर्माण हुआ, यहाँ पर कॉलेज की बिल्डिंगें बनाई गई, यहाँ पर ITI के भवन बनाए गए, नगर परिषद बनाई गई, टाउन हॉल स्वीकृत हुआ और सब्जी मंडी बनाई गई, अनेकों काम सुजानपुर शहरी शहर में हुए। आप आगे चले जाओ, ब्लेट में 11 करोड़ रुपए का पुल बनाया जा रहा है, उसमें के सारे काम स्वीकृत हैं जो अब कंप्लीशन पे हैं, परंतु नया काम कोई यहाँ नहीं हुआ। इसलिए लोगों में इस बात के लिए गुस्सा है और अब लोग जो है गुस्सा आने वाले समय में जब चुनाव आएंगे तभी निकालेंगे। प्रशासन से बात करने वाला हूं कि जो हमारा या जो लोगों पशुओं को छोड़ देते हैं, अगर गौशाला बनी है यहां पे तो उसको जो है यहां पर उसको चलाया क्यों नहीं जा रहा है, उसको उसका उसको उसमें शुरुआत की जाए, पशु वहां रखे जाए। और जब सरकार का ये सरकार ने नियम बनाया है कि हर जगह पशुशालाएं बनाई है, तो उसका भी निर्माण हो गया, तो वहां पर उसको चालू किया जाना चाहिए, जो लोगों की फसलों को उजाड़ रहे हैं, जानवर जो उजाड़ रहे हैं, पशु उजाड़ रहे हैं, उनको बाहर रखा जाए। सर, दिल्ली में जो चुनाव आ रहे हैं, हो रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो रहा है, और कारण यही है कि हिंदुस्तान में ये जो भारतीय जनता पार्टी है, धर्म के नाम, मजहब के नाम राजनीति कर रही है, लोगों को धर्मों मजहबों में बांटने की कोशिश कर रही है। और जब भी कोई इशू उठाया जाता है कि भाई आप हमारे देश की इकोनॉमी तबाह होगी, हमारे देश के नौजवान जो उनको आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं,
हमारे देश में जो इंडस्ट्री थी वो बंद हो रही है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उस पर चर्चा नहीं करते तो पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर देते हैं, हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की बात कर देते हैं, कभी धर्म के नाम पर राजनीति करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, देश की जनता चाहती है कि हम लोग तरक्की करें, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, हमारी यहाँ पर विकास हो, और जो विकास थम गया है वो लोग चाहते हैं कि विकास हो, लोगों को अपनी तरक्की से मतलब है, लोगों को खुशहाली से मतलब है, लोगों को रोजगार से मतलब है, लोगों को देश की इकोनॉमी से मतलब है, ताकि देश की इकोनॉमी ठीक होगी तो लोग मजबूत होंगे, व्यापारियों को व्यापार से मतलब है, क्योंकि सारी चीजें थम गई और धर्म और जाति के नाम पर जो है और मजहब के नाम पर जो है ये बांटने की जो है राजनीति हो रही है, इससे लोग जो है नाखुश है और दिल्ली में इनको जवाब मिलने वाला है और पूरे देश में एक के बाद एक इनका सुपड़ा सा पड़ रहा है के ऊपर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि पहले भी इन्होंने हमारी समस्याओं को सुना है और हल समाधान किया है। अभी हमें इनके ऊपर पूरा विश्वास है कि ये हमारी समस्याएं का समाधान करेंगे। और जयराम सरकार जो है, जयराम ठाकुर जो है, दिल्ली में तो गए हैं, अपना घर उससे संभाला नहीं जा रहा है और दिल्ली में प्रचार करने चले गए हैं। अगर वो उधर होते, हमारे को इतना गुस्सा है कि हम उधर जाकर उसको जवाब दें कि पहले अपने घर को देखो, हम कितने दुखी पड़े हैं और अपने आप अब दिल्ली में उधर वोट मांगने के लिए चले गए हैं। तो सांसद अनुराग ठाकुर भी आपकी जन समस्याएं सुनने के लिए यहाँ आए हैं? अनुराग ठाकुर भी कभी नहीं आए, जब से वो बने हैं हमारी समस्याएं सुनने बिल्कुल नहीं आए, कोई भी समस्या नहीं। हम सभी के हमारी समस्याएं सुनी है तो राजेंद्र राणा जी ने सुनी है, जब ये विधायक नहीं थे तब भी इन्होंने सुनी और आज विधायक हैं तब भी हमारी, हम इनके साथ हैं।